लॉकडाउन की पाठशाला डीसी रामगढ़ में आज फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार मंडल। जैसे मैंने इससे पहले बताया था आप लोगों को, हिंदी क्लास 8 का विषय हिंदी पाठ अशोक का शस्त्र त्याग के विषय में मैंने आप लोगों को कहानी इसके बारे में बताया था कि अशोक ने शस्त्र त्याग क्यों किया, किस वजह से शस्त्र त्याग किया, क्या कारण था, सारी चीज मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था। तो बच्चों, जैसे उसी दिन मैंने बोला था कि आज उसका मैं प्रश्न उत्तर कराऊंगा, तो बच्चों आज मैं आप लोग को जो प्रश्न उत्तर बताने जा रहा हूं उसका थोड़ा सब लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे। तो जैसे कि बच्चों लोग जानते थे कि सम्राट अशोक कलिंग राज के साथ 2 साल से युद्ध चलने के पश्चात भी कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण राजा अशोक, महान सम्राट अशोक चिंतित थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में क्या प्रण करने को कहती है। तो बच्चों, पद्मा कहती यह है कि पद्मा अपनी सेना सम्राट अशोक एवं उनकी पूरी सेना को वध करने की प्रण लेने को कहती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में जितने भी घर में पुरुष थे सभी को लगभग अशोक ने मार डाला था, सभी को बंदी बना दिया था, जिसे हमको प्रतिशोध लेना है, और अपनी सभी विनम्रता के साथ वो युद्ध मैदान में गई थी और वो प्राण लेने के लिए कहती है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि पद्मा की युद्ध करने की चुनौती स्वीकार न कर पाना, स्वीकार न करना अशोक के चरित्र की कौन सी विशेषता प्रकट होती है। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि पद्मा की युद्ध की चुनौती स्वीकार न करना अशोक के मन में पश्चाताप एवं दया भावना, स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना का चरित्र की भावना प्रकट होता है, क्योंकि अशोक ने देखा जब कलिंग में जब सभी स्त्रियों से युद्ध करने के लिए आ रही थी मैदान में खड़ी थी, तो अशोक को देख के बहुत मन में पश्चाताप हुआ कि आज तक जितने मैंने सभी का खून सिका होली मैंने खेला है, ये गलत किया, कहीं ना कहीं मैंने बहुत गलत किया है। उसके मन में एकदम हृदय परिवर्तन हो गया, कहा कि नहीं, मैं ये सही मार्ग पर नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि आज सभी कलिंग पर पुरुष मारे गए या तो उसको बंदी बना लिया गया, जिसके पास वो कुछ नहीं बचा, तो आज वीरंगनाएं हमसे लड़ने के लिए आ रही है जो मेरे जीवन के लिए धिक्कार है। उसी दिन बच्चों, उसी पश्चाताप के कारण अशोक ने उसी समय शस्त्र त्याग दिए थे। तो बच्चों, चौथा प्रश्न है पद्मा ने अशोक क्यों, अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। तो बच्चे, इसका उत्तर है कि पद्मा की समझ अशोक ने शस्त्र त्याग कर नतमस्तक होकर कहा कि मेरा सिर काट दीजिए, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा अटल है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और जिससे पद्मा कहती कि जाइए महाराज, अब अपनी प्रतिज्ञा के लिए सदा रक्षा के लिए जीवित रहिए, मैं निहत्ते पर वार नहीं करता हूँ। इस तरह बच्चों, ये 4 प्रश्न उत्तर अशोक महान सम्राट से जो कहानी से दिया गया था उसको मैंने अपने बताया। आप लोग इसको बढ़िया से घर पर रिहर्सल कीजिए, और जैसे हम लोग देखें कि जिस अशोक का उसी कलिंग विजय के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, उसके मन में बहुत पश्चाताप की भावना थी कि नहीं, अब हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। उसी समय शस्त्र त्याग कर और अहिंसा के मार्ग पर चले गए। धन्यवाद बच्चों, आप दूसरा दिन हम आप लोग को इसके क्लास 8 का नेक्स्ट जो हिंदी का पार्ट होगा उसको मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।